Modern stars, how are you all? I hope you all are fine and enjoying your studies at home. Students, take out your science books and copies. Start doing revision. 6, 5. इससे पहले हमने revision 1, 2 सबसे part 1 वीडियो में किया था, 3, 4 part 2 वीडियो में किया था. आज हम बात करेंगे part 3 की, जिसमें हम revision 5 करेंगे. तो आप अपनी कॉपी में डालेंगे revision 5, ठीक है, और लिखेंगे स्टेट टी फॉर ट्रू स्टेटमेंट एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट. चैप्टर यहाँ आपको करने हैं 1, 2 एंड 3, ठीक है. 3 रिविजन्स कौन कौन से हैं, 2nd, 3rd और 4th वाला आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है. फिर आपको करना है नेक्स्ट पेज पे, मींस उसी के नीचे 4, 5 एंड 6, यानी 1, 2 एंड 3 यहाँ से, 7, 8, 9, 10, 11, 12 मैंने टिक किए हुए हैं पेंसिल से, आप ध्यान से देख के उनको करेंगे. अब हम बात करेंगे आपके RW6 की, ठीक है. RW6 है आपका आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन शॉर्ट. बच्चों ये आपका चैप्टर 5 का है, व्हाट इज़ फर्टिलाइजेशन, व्हाट इज़ जर्मिनेशन, ठीक है. ये दो क्वेश्चंस हैं आपके. लॉन्ग में भी आप देखते चलिए, लॉन्ग में आपका पहला है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ अ सीड. नेक्स्ट है आपका व्हाई इज़ सीड डिस्पर्सल इम्पॉर्टेंट, ठीक है. ये दो क्वेश्चन हो गए. फिर उसके बाद चैप्टर 4 में आप देखिए आपको करना है विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेकेंड है आपका व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ फ्लावर. थर्ड है आपका नेम द मेल एंड फीमेल पार्ट्स ऑफ फ्लावर, ठीक है. ये हो गया आपका, डिटेल्ड भी देख लीजिए साथ में. डिटेल्ड है आपका व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन यूनिसेक्सुअल एंड बाईसेक्सुअल फ्लावर्स. सेकेंड है व्हाई डज क्रॉस पॉलिनेशन हैपेंस, ठीक है. शॉर्ट आंसर्स जो हैं आपके वो RW6 हैं, और लॉन्ग आंसर्स जो हैं वो आपके RW7 हैं, ठीक है. इसके बाद में आपको करना है चैप्टर 3 से क्वेश्चन नंबर 1 व्हाट इज़ अ बैलेंस्ड डाइट, क्वेश्चन नंबर 4 व्हाट आर जंक फूड्स, एंड रिवीजन 7 के लिए आपको करना है क्वेश्चन नंबर 1 डिस्क्राइब द फंक्शंस एंड सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट. सेकेंड है आपका क्वेश्चन नंबर 3 आपको करना है लिस्ट द सिम्टम्स ऑफ क्वासी ऑकर हाउ इट कैन बी कर्व्ड, ठीक. ये हो गया आपका चैप्टर 3 में. नेक्स्ट आपका चैप्टर 2 में है रिवीजन 6 के लिए व्हाट आर द 4 टाइप्स ऑफ द स्केलेटन. सेकेंड क्वेश्चन है आपका हाउ मैनी टाइप्स ऑफ मूवेबल जॉइंट्स आर देयर इन अवर बॉडी, नेम देम. क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा व्हाट आर टेंडन्स, ठीक है. रिवीजन 7 में आपका एक ही क्वेश्चन है इस चैप्टर से, और वो है व्हाट इज कार्टिलेज, ठीक है. हाउ इज इट यूज्ड फॉर आवर बॉडी. ये हो गए आपके क्वेश्चन सेकंड चैप्टर के रिवीजन 6 एंड 7. अब आपके चैप्टर 1 जो कि लास्ट चैप्टर है आपके लिए, इसमें है आपका पहला क्वेश्चन है हाउ मैनी चैम्बर्स आर देयर इन अ ह्यूमन हार्ट, नेम देम. व्हाट आर ब्लड वेसल्स, व्हाई इज़ द कलर ऑफ ब्लड इज़ रेड, ठीक है. ये हो गया आपका रिवीजन 6 में. रिवीजन 7 में आपको सिर्फ एक क्वेश्चन करना है इस चैप्टर से, लिस्ट द फंक्शंस ऑफ द ब्लड. तो बच्चों ये आपके हो गए रिवीजन 5, 6 एंड 7, जो कि आपको अपनी कॉपी में अच्छे से नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में नोट डाउन करना है. क्वेश्चन आंसर्स मैंने आपको ऑलरेडी कराए हुए हैं, तो आप सबको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. इनकेस अगर आपने नहीं किए हैं तो आप MPS सुल्तानपुर जैसे ही अपने यूट्यूब पे सर्च करते हैं, वहाँ से आप अपनी क्लास की प्ले लिस्ट में जब जाएंगे तो वहाँ आपको आपके सारे क्वेश्चन आंसर्स या पूरी साइंस के प्रीवियस वीडियोज़ मिल जाएंगे. कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. अपने रिवीजन वर्क को अच्छे से करके अब आप लर्निंग वर्क स्टार्ट करिए.
ठीक है, लर्निंग जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आपका वर्क इनकम्प्लीट ही माना जाएगा। तो सारे क्वेश्चंस के साथ में आपको लर्निंग इम्पॉर्टेंट है करना, लर्न करते रहिए। कहीं कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। रिविजन 5, 6 और 7 अच्छे से नोट डाउन करिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू ऑल।